उधर सीधी की बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक के मुताबिक मोदी की सभा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। रीति पाठक के मुताबिक क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। हमारे साथ सीधी लोकसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीति पाठक जी यहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से आपके चेहरे में खुशी की लहर दिख रही है। मोदी जी यहाँ पर गए हैं, एक उत्साह भर के गए हैं कार्यकर्ताओं में। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कितना इफेक्ट पड़ेगा मोदी जी की सभा के पहले और मोदी जी की सभा के बाद, क्या लगता है? अभी मुझे लग रहा है मैं शुरू कैसे करूं, क्योंकि आप तो खुद ही इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। इतना बड़ा ग्राउंड और इतना उत्साह, लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। और जहां आपने कहा कि मोदी जी के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, आने के पहले कितना प्रभाव था आप देखिए, तो आने के बाद क्या होगा अब ये, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब जिनको डरना है और जिनको संभलना है वो संभल लें और डर के बैठ भी जाए। बताइए कि अगर मुद्दों की बात करें तो आपके कौन कौन से मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आई थी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी जो पुरानी परियोजना है, जो चार दशकों से लंबित पड़ी हुई पुरानी परियोजना थी, हम लोग रेल के लिए तरस रहे थे। रेल होगा, आवागमन के साधन मिलेगा, शिक्षा रोजगार इन सारी की व्यवस्था होगी, उसके लिए मैंने प्रयास किया था। मुझे 2 साल लगेंगे रेलगाड़ी लाकर खड़ी करने में सीधी में। दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना, मेडिकल कॉलेज या महिला अस्पताल मेरी प्राथमिकता में है। पर इसके बाद जो अंतिम विषय है मेरे लिए वो है सीधी संसदीय क्षेत्र, जो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत खूबसूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं इसकी पहचान बनाना चाहती हूँ। सीधी को जैसा ही ये अनजान था, गुमनाम था, हम लोग कहीं ना कहीं एक गर्त की दिशा में थे, हमें गाड़ दिया गया था कम से कम 2 पोर्सा नीचे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र के, बेहद खूबसूरत संसदीय क्षेत्र को। आप इसके पहले भी 5 साल सांसद रही हैं, क्या कमी रह गई? क्योंकि जितना विकास होना चाहिए था सीधी का, उतना विकास दिखता नहीं है। रेल की आ जानी चाहिए थी, वो रेल नहीं आ पाई है। बहुत सारी चीज अभाव दिखता है। सड़कें अभी भी वैसी की वैसी हैं, वो सुविधा नहीं मिल पाई जितना और शहरों ने, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में, देश के अन्य शहरों में उन्नति की। तो क्या कमी रह गई? आप, बहुमत आपके साथ था, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, क्या प्रॉब्लम? ये 4 दशकों पुरानी लंबित पड़ी हुई परियोजना थी, 40-50 साल पहले की लंबित पड़ी हुई परियोजना थी। इसमें एक ईंट भी इधर से उधर नहीं ली थी, एक फाइल भी इधर से उधर नहीं गई थी। आज 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मैं यहाँ इसमें ला चुकी हूँ। आप पहाड़ी में देखिए, दोनों तरफ से सुरंग तैयार हो रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर का सुरंग बन चुका है। यहाँ पर स्टेशन का निर्माण होना शुरू हो गया है, सोन नदी पर ब्रिज का निर्माण होना शुरू हो गया है। 2000 लोगों से ज्यादा को नौकरियां मिल गई हैं, लोगों को मुआवजे मिल गई हैं, लोग खुशी हैं। उनको, उन्होंने करोड़ों रुपए कभी देखा नहीं होगा। अब विकास क्या है? यही तो विकास है। तो ये थी रीति पाठक जी, इनकी बहुत से विकास कार्य जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं, अपने पिछले सांसदीय कार्यकाल में किए हैं, और बहुत सारी चीजें बची हुई है जो उनको आगे करना चाहती है। और उनको पूरी उम्मीद है कि जो उनके इलाके की जनता है, सीधी लोकसभा क्षेत्र की जनता है, उनको मौका देगी, क्योंकि ये उनका ससुराल है। उनके मायके में भी उनको प्यार मिला और ससुराल की जो बहू है उनको भी उनका भरपूर प्यार मिलेगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 सीधी।